हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी हब। एसएससी हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा या फिर 11 या फिर 12 होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चंस आपको मेरा जो ई बुक में लिखा हूँ उसी ई बुक से मैं ले रहा हूँ। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि हाँ ई बुक खरीदना है। मैं आपको वहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 17 को आपको प्रोसीडियर में बता दूंगा, क्योंकि 17 में 16 तक मैं और कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपको इस बुक में हर के क्वेश्चन मैथ में मिल जाए। ओके, टॉप से लेकर इजी मॉडरेट से लेकर टॉप तक। ओके, मीन्स ऐसे सीजल का क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको पहले, उसके बाद आपको कैट लेवल का भी, कैट मैट जेट वो भी क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर वो बुक को खरीदना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितना बुक को खरीदना चाहते हैं, तो 17 को उसको प्रोसीडियर बताऊँगा उसका, आप कैसे खरीद सकते हैं, या फिर एक दिन भी डिले भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। बट आपको जब तक एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके पहले आपको बुक मिल जाएगा। ओके, एंड ए बुक आपका स्पेशल टायर टू के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, तो इतना जल्दी भी मत दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है। टू आइडेंटिकल सर्कल्स इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर्स। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। बोला है टू आइडेंटिकल सर्कल इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर्स आर द पॉइंट्स एट विच द इंटरसेक्ट फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द पोर्सन दैट इज कॉमन टू दैट ऑफ द सर्कल टू सर्कल इज हाउ मच। हिंदी में पढ़ देता हूँ। वो बोल रहा है टू आइडेंटिकल सर्कल है, दो आइडेंटिकल सर्कल है जो क्या किए ना, दोनों इंटरसेक्ट किए हैं। ओके, सो दैट देयर सेंटर, जो उनका सेंटर है एट पॉइंट दो आर इंटरसेक्ट एंड द पॉइंट्स एट विच देयर इंटरसेक्ट फॉर्म ए स्क्वायर। जो वहाँ पे इंटरसेक्ट किए एंड पॉइंट दो एंड उनका जो सेंटर का जो इंटरसेक्शन है वो मिलकर एक स्क्वायर आपको बनाता है जिसका साइड है आपको 1 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द पर्सन दैट इज कॉमन टू दैट सर्कल। दोनों सर्कल में जो एरिया पर्सन आपका कॉमन है उसका एरिया आपको निकालना है। ऑप्शन है आपका π/2, π/2-1, π/4, π/5, 3π/2। क्वेश्चन तो ईजी है, बट जिन्होंने पहली बार किए होंगे थोड़ा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉरी, आप क्वेश्चन में दिया है दो सर्कल ऐसा है, मेरा फिगर अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी आप इसको मैनेज कीजिए। ओके, इनका सेंटर सपोज ये ओ है, ए ओडिया से, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ओके, तो बोला है ए ओ ओ डी एस बी एक स्क्वायर है, मीन्स सबका साइड आपका स्क्वायर का साइड आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हमको ए जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन दोनों सर्कल का, ये पोर्शन हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका देखिए, इसको निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर मैं देखिए ध्यान से देखिए, ये जो सेक्टर है ए ओडियास बी, ये जो सेक्टर है आपका ए ओडियास बी, ए ओडियास बी प्लस सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी प्लस सेक्टर ए ओ बी, इसको मिला के अगर इससे मैं जो स्क्वायर का साइज, स्क्वायर का जो एरिया निकाल दूँ, स्क्वायर का एरिया निकाल दूँ, तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो मैं वही चीज़ वहाँ पर करने वाला हूँ। मैं पहले सेक्टर का एरिया निकालता हूँ, और एक बात देखिए, मैं एक सेक्टर का एरिया निकालूंगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे, एंड ये अगर स्क्वायर है मीन्स इनका डायगोनल काटेंगे तो इसका एरिया जो होगा इसका एरिया भी वही होगा। ओके, तो मैं एक का निकाल दूंगा, उसमें दो मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का निकालता हूँ, मैं ए ओ बी का निकालता हूँ सेक्टर का एरिया। तो ए बी का सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। ओके, तो पाई यहाँ पे, पाई तो यहाँ पे रहेगा पाई, एंड आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। एंड इनका जो स्क्वायर है मीन्स ये जो साइड कितना है 90, सबका 90 है मीन्स ये 90 होगा, 90/360, तो होगा पाई बाई फोर। एक का सेक्टर का दो का सेक्टर होगा, दोनों का सेक्टर क्या होगा, इंटू टू करेंगे तो दोनों का सेक्टर मुझे मिलेगा π/2, दोनों का सेक्टर मुझे π/2। इससे मैं क्या करूँगा, घटाऊँगा क्या, दोनों का सेक्टर मिल गया π/2, उससे मैं क्या घटाऊंगा, स्क्वायर ऑफ द एरिया, एरिया का साइड 1 है तो एरिया का घटा दूंगा कितना होगा 1। तो हमारा आंसर क्या है, दो कॉमन पोर्शन का एरिया क्या होगा, π/2-1। तो ऑप्शन में जो था वो देखेंगे, ऑप्शन में क्या था, π/2-1, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है, π/2-1। ओके,
क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर देना चाहिए। देखिए आप कमेंट सेशन में आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, एंड आप नहीं करें तो आपसे आपकी फायदा कुछ भी नहीं होगा, आपसी वीडियो सोल्यूशन देखेंगे तो, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। तो ए बी सी डी एसोसिएटेड ट्रेपेज़ियम विद बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 10 यूनिट्स, ए बी इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड सी डी इक्वल 14 यूनिट्स, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रेपेज़ियम आर जॉइंट टू फॉर्म ए क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल्स इंस्क्राइब इन एन क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस टू द एरिया ऑफ द ट्रेपेज़ियम ए बी सी डी। ओके, ऑप्शन है 3π/8, 3π/16, π/4, π/8। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट भी दे देता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको थोड़ा हिंट बताऊँगा। ओवरऑल है एक हमारा जो ट्रेपेज़ियम है, ऐसा ट्रेपेज़ियम है, इसका मिड पॉइंट को हम जॉइन किए, ओके, इसका अंदर एक सर्कल है, ओके, एंड ये आपका ट्रेपेज़ियम क्या दिया था, अच्छा बी सी सपोज जो भी है, ए बी जो आप नंबरिंग ऐसे करेंगे, ए बी सी डी ऐसे दिया था, इसका लेंथ दिया था 2, इसका दिया था 10, इसका दिया था 10, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ से एक आइसोसेलस ट्रेपेज़ियम मीन्स, देखिए ये साइड तो 2 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6, ये बताएगा कितना 6, ओके, क्योंकि टोटल का आपका 14 दिया था एंड सी डी आपको दिया था 14, ओके, ये भी रखना, सी डी आपको 14 दिया था। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेज़ियम फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ द जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है, ये जो सर्कल का एरिया है, अंदर का जो सर्कल का एरिया है, उसका एरिया का रेशियो मुझे फाइंड करना है, ओके, या फिर जो भी दिया था, क्या दिया था वो देख लेंगे, रेशियो, रेशियो आपको फाइंड करना है, यहाँ पे रेशियो दिया था, रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपको मैं बता दिया वहाँ पे जो ट्रेपेज़ियम है, एक चीज़ यहाँ पे बता भी देता हूँ आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब मिड पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट जानता हूँ तो हमारा ए सपोज है, बी है, सपोज सी था, ए डी था, एंड ये आपका 2 दिया था, ये 10 दिया था, ये 10 दिया था, 14 दिया था, हम इसको निकाल सकते हैं डायगोनल, ओके, डायगोनल कर सकते हैं, कैसे होगा ना, 14 + 2 / 2 मीन्स 14 + 16/2 मीन्स 8, ओके, इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गया। देखिए जब भी आपको एक ट्रेपेज़ियम जॉइन करते मिड पॉइंट, एक क्या बोलता है, पैरेललोग्राम बनता है, एंड ऑल पैरेललोग्राम इक्वल टू रम्बस होता है, बस इतना बता दिया, एंड इसका अंदर जो स्क्वायर होगा, इसका ऐसे लेके इसका 90 डिग्री के आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। बहुत बहुत क्वेश्चन बता दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बता दिया मींस आपको अभी थिंकिंग करना है। देखिए ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको थिंकिंग, ये जो फाइंड करने में इसको टाइम लगेगा, जो मिड पॉइंट होता है ट्रेपेज़ियम का, ओके, तो अभी बहुत बता दिया मैं, कम से कम 75% बता दिया, और 25% आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।